नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं आप लोग डिजिटल बोर्ड यदि ले लिए हैं तो यूज कैसे करना है, या डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं आप लोग तो किस स्टेप से आपको यूज करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं आप सभी को। डिजिटल बोर्ड तो ले लेते हैं लोग, लेकिन यूज करने ही के लिए ही पता नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक चीज बताएंगे, आप पीडीएफ से कैसे पढ़ा सकते हैं, पीपीटी से कैसे पढ़ा सकते हैं, या क्रोम से कैसे कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, आप हर एक चीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, या आप डिजिटल बोर्ड ले लिए, आपको फुल स्टूडियो सेटअप करवाना है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को नंबर दिया गया है, ठीक है, 9973725719। इस नंबर पे जैसे ही कॉल कीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी हमारा टीम के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। देखिए यूज करने से पहले डिजिटल बोर्ड जो लिए होंगे सबका अलग अलग इंटरफेस होता है, तो लगभग इसी टाइप से आपका इंटरफेस मिला होगा। ये आपका एंड्रॉइड का है, किसका है, एंड्रॉइड के लिए ये आपको इंटरफेस बता रहे हैं। कोई भी ब्रांड का लीजिएगा तो एंड्रॉइड का आपका इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। आप यहां से भी देखिए इस टाइप से जैसे कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में भी आपका ये दिखेगा और आपका ये राइट साइड में भी आपको ये दिखेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग आते हैं, थोड़ा सा यदि हम लोग इधर करेंगे तो ये आपका है क्या चीज, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको पेन को ऑन कर लेते हैं तब समझाने में अच्छा रहेगा। ये आपका है कोई भी चीज यदि आप ओपन कर दिए हैं, ठीक है, मान के चलिए हम नोट सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है, फिर से वही जाना है, बैक करना है। तो एक बार यदि बैक करना है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, होम बटन, ये आपका क्या हो गया, होम बटन। मान के चलिए कोई भी पेज पे है तो इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो इस पेज पे आ जाइए, कौन सा पेज पे, जो पेज पे अभी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये आपका है जैसे मोबाइल में होता है ना, ये जो मोबाइल होता है आपका, ठीक है, मोबाइल में तीन बटन होता है ना, जैसे इस बटन को क्लिक करते होंगे तो आपका जितना भी क्लियर ऑल का ऑप्शन आ जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्लियर ऑल का आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका नोट है, नोट, ठीक है, जहां से हर एक काम होता है नोट से, ये आपका क्या है, नोट है। ये आपका क्या है, फाइल मैनेजर हो गया, ये जो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, फाइल मैनेजर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्रोम हो गया, ठीक है, ब्राउजर हो गया, यहाँ पे हर एक ऐप आपका इसमें रहता है, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और या पीसी वाला वर्जन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप लोग देखिए लिखने वाला, जिस टाइप से यहाँ पे लिखने वाला को लाए हैं, इस टाइप से लिखने वाला को आप लोग यहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग यदि मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड को तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये ऑप्शन से, ठीक है। टाइमर यदि देना चाहते हैं तो आप लोग टाइमर इससे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू था, ये आपको पता चला। अब मेनली चलते हैं टीचर्स को, जो 90% काम होता है वो पढ़ाने के ऊपर काम होता है, ठीक है, पढ़ाने के ऊपर। तो हम लोग खोल लेंगे किसको, नोट सॉफ्टवेयर को। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसी से सब काम होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ भी है, वही चीज क्या है, यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोट सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। अब जैसे ही नोट सॉफ्टवेयर खुला तो मेरा हर एक चीज यहाँ पे क्या हो गया, आ गया फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड अभी कौन सा कलर का है दोस्त, अभी बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मीनू बटन है, मीनू पे क्लिक करेंगे, मीनू पे जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हम लोग को थीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही थीम पे क्लिक किए यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन आपको आ गया। इसी टाइप से सब बोर्ड में रहता है बैकग्राउंड चेंज करने का। अब जो भी बैकग्राउंड हम लोग को लगाना है वो बैकग्राउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड को यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मान के लिए हमको यदि ग्रीन लगाना हो तो इस टाइप से इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया, समझ गए। सबसे पहले बैकग्राउंड कहाँ चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मेन्यू बटन में जाइएगा, यहाँ से आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा थीम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट का है, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, कहीं भी जाते होंगे आप लोग फिल्म देखने के लिए या कहीं भी जाते होंगे तो एक होता है आपका निकासी करने के लिए, मतलब जहाँ से आप लोग निकलते हैं, सिनेमा वगैरह देख के निकलते हैं, फिल्म वगैरह देख के जहाँ से निकलते हैं, एग्जिस्ट रूम, यहाँ से आपको निकलना है तो क्या जाना है, एग्जिस्ट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए शेयर बटन है,
शेयर यदि हमको इस चीज को जो भी आप पढ़ाए हैं उसको यदि शेयर करना है तो आप जो है स्कैनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे स्कैन कीजिएगा आप, यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट है, जो भी चीज अभी पढ़ाए हैं, जैसे आज से कल तक में जो भी पढ़ाए होंगे, तो यहाँ एक लिस्ट आ गया। यहाँ से आप लोग जो भी कल पढ़ाए होंगे तो इसको अपना क्लिक करके कल वाला बैकग्राउंड पे आ सकते हैं, मतलब यहाँ से कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद देखिए एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए किसका ऑप्शन आ रहा है, एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब सिलेक्ट का देखिए हम लोग यूज थोड़ा सीखते हैं। मान के चलिए कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या है, क्रिएटर्स माइंड। क्या नाम है दोस्त? क्रिएटर्स माइंड। तो CREATORS, क्रिएटर्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिए, माइंड, MIND। जैसे क्रिएटर्स माइंड लिखेंगे और देखिए सिलेक्ट बटन पर क्लिक किए, सिलेक्ट कर देना, देखिए इसको घुमा के इसे सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट किए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कलर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि फंट को हमको लिखना है, बढ़िया थोड़ा फंट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फंट को बदल सकते हैं। इसका फंट आप देखिए, फंट चेंज हो गया। यही चीज को हमको यदि गूगल पे लिखना है, इसी चीज को हम लोग सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी गूगल पे हो जाएगा। इसी चीज को यदि हमको उल्टाना है, फ्लिप करना है, तो यहाँ पे जैसे ही फ्लिप किए, यहाँ देखिए क्रिएटर्स माइंड जो क्या हो गया, उलट गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा पुलटा सकते हैं, जैसे भी करना है वो सारा चीज यहां से कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है, इसको यदि हम लोग टॉप में ले जाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका टॉप में चल जाएगा। यहाँ क्लोन मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को दो गो करना है, चार गो करना है, पांच गो करना है, या क्या कर देंगे, इतना जो है इस पे करते रहेंगे क्लिक। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे, इसको इधर दे देंगे, इसको इधर दे देंगे, जिधर भी देना है। एक ही चीज को मान के लिए बार बार लिखना है तो क्या कर देंगे, क्लोन कर देंगे। इनको डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर दिए। यदि इस पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग को यहीं पर गूगल पे जाना है, तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप कहाँ पे लिख चले जाएगा, इंटरनेट आपको रहना चाहिए, ये अपने आप आपको चले जाएगा गूगल पे करने के लिए। जैसे ही क्रिएटर्स माइंड सर्च किया, देखिए यहाँ पे creatorsmind.co.in वेबसाइट का अपना ऑफिशियल वेबसाइट क्या हो गया, ओपन हो गया। इस टैब से, सॉरी ये तो यूट्यूब ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखिए creatorsmind.co.in जो है आपका ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इस टैब से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज करने के लिए, अभी आप लोग सीखे सिलेक्ट का यूज करने के लिए, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो यहां से भी आप ये चीज सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए सिस्टम थोड़ा सा बैक करने के लिए, बैक करने के लिए क्या सिखाया था आपको, यहाँ पे देखिए बटन है, ठीक है। ये बटन के बारे में बताया था आपको बैक करने के लिए, यहाँ पे तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, बैक हो गए। फिर एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हो गए, फिर बैक हो गए। तो यहाँ पे हम लोग थे, तो सिलेक्ट का आप लोग यूज समझ गए। कोई भी चीज जैसे ABC हम लोग लिखना है, मान के चलिए पेन पे गए, हम लोग को क्या लिखना है, ABC, इसको हमको अच्छे से लिखना है, तो सिलेक्ट पे जाके इसको सिलेक्ट कर दिए, हम लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ABC अच्छे से लिखा जा गया। अब इसको आप सेटिंग कर सकते हैं, जिस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पे हर एक चीज सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट के बाद पेन पे आते हैं हम लोग। पेन पे क्या है, पेन जो आपको ये स्टेप से पेन मिलेगा, ठीक है। एक डिजिटल बोर्ड में कितना, दो से तीन, दो या बहुत सारा बोर्ड में दो या दो से अधिक भी मिलता है, इस टाइप से पेन मिलेगा। अब देखिए ये जो आपका पेन मिलता है, ये पेन दोनों तरफ से काम करता है, लेफ्ट राइट मतलब सॉरी ऊपर नीचे दोनों तरफ से काम करता है। अब यहाँ पे सेटिंग करने वाला है, यदि देखिए यहाँ पे इस आगे से यदि लिखते हैं तो क्या चलता है, आपका चलता है व्हाइट कलर, और यदि पीछे से लिखते हैं क्या चलता है, येलो कलर। तो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे देखिए पेन पे, यहाँ पे पेन पे क्लिक किए, ये जो देखिए ये जो यहाँ पे नोकनी बनाया हुआ है, यहाँ भी इसका है, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पतला वाला है नोकनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पतला वाला था, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, ये पतला वाला किसका है, इस साइड का है। उसके बाद ये देखिए थोड़ा मोटा है इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या है, मोटा वाला है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यदि हमको मान के लिए पतला वाला का उजला कलर रखना है, तो पतला वाला पर यहाँ पर क्लिक कर दिए, उजला कलर के लिए। यदि इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक हो गया, देखिए रेड करना है तो यहाँ रेड हो गया, यदि येल्लो इसको करना है तो येल्लो हो गया। मान के लिए इसको हमको क्या करना है, ब्लैक करना है, तो ब्लैक हो गया। तो अब हम लोग को जो है ये जो है मोटा तरफ इस टाइप से ब्लैक लिखाएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड ही है तो हम लोग को ब्लैक नहीं देंगे, तो कोई दूसरा कलर दे देते हैं, इसको हम लोग मान चलिए व्हाइट दे देते हैं। तो हमको इस टाइप से व्हाइट, इस तरफ से क्या लिखाएगा, व्हाइट लिखाएगा, देखिए व्हाइट लिखा रहा है। इस तरफ से क्या लिखाएगा, इस तरफ से येल्लो लिखाएगा, इस तरफ से येल्लो लिखाया। अब देखिए यहाँ पे ही पेन का है, इसको पूरा पतला करना चाहते हैं या मोटा करना चाहते हैं, इसका नोकनी को जो लिखाएगा, या इस टाइप से करना चाहते हैं या इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कलर भी चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मान के लिए हमको बहुत मोटा लिखना है, अब देखिए मोटा बहुत लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत मोटा चलने लगा ना। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। यहाँ दिखाएगा कितना बड़ा आपका लिखाएगा, कितना छोटा आपका लिखाएगा। यहाँ से चार कलर मतलब चार पेन का है नोकनी, ठीक है। जैसे यहाँ से इस टाइप से लिखेंगे थोड़ा गोल गोल लिखाएगा, इससे यदि लिखते हैं तो अब देखिए इससे थोड़ा गोल गोल लिखाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको चूज कर लेते हैं तो इससे क्या लिखाएगा, पतला लिखाएगा, इसे गोल गोल नहीं लिखाएगा, इस टाइप से जैसे गोल गोल लिखा रहा था। अब देखिए यहाँ पे नहीं देंगे तो और पतला लिखाएगा इसे, देखिए यहाँ पे लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग। तो इस टाइप से इसका क्या कर सकते हैं, चारों कलम का आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से इसका यूज है,
इसका जो है अलग अलग करने वाला है, इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका जो तीसरा पेन का आप लोग यूज समझ गए, तो पेन के बारे में भी सब कुछ समझ गए, यहाँ से मोटा पतला इसको कर सकते हैं पेन को। अब देखिए इरेजर है, इरेजर मतलब क्या होता है, मिटाने वाला, यहाँ से इरेजर है। अब इसको देखिए ये जो छोटा है ये अभी जो है सर्कल में आपको दिख रहा है ये बहुत छोटा है, अब इसको बड़ा करना है, तो इरेजर पर क्लिक करेंगे इसको बड़ा कर देंगे। अब देखिए अब का इरेजर देखिए, देखिए अब हो रहा है यहाँ बड़ा वाला, ठीक है ये नहीं मिटेगा क्योंकि इसको बनाया गया है अलग से, ठीक है तो ये सब नहीं मिटेगा, ये सब फिर मिटेगा देखिए यहाँ पे। अब इसको पूरा इरेजर के मतलब समझ गए, जो चीज आप लिखिएगा, मान चलिए हमको यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं ठीक है, इसको जो हम लोग को ये इरेज करना है, इरेज मतलब क्या होता है मिटाना, इसको मिटा दिए। ये क्यों नहीं मिटा भैया, तो ये जो है हम इसको क्या किए थे, सिलेक्ट करके जो बेस्ट राइटिंग होता है, बेस्ट राइटिंग से लिखिएगा तो वो मिटरता नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके दो सिस्टम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए ठीक है, या क्लियर ऑल का मतलब। अब इरेजर समझ गए, सबसे पहले सिलेक्ट समझे, फिर पेन समझे, फिर इरेजर समझे, सिलेक्ट क्लियर ऑल मतलब हो जाएगा क्लीन ऑल, ठीक है क्लीन ऑल मतलब क्या हो जाएगा, जो भी बोर्ड पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, क्लीन ऑल पे क्लिक किए क्लीन ऑल हो गया। अब यहाँ पे देखिए रूलर है, अब जो भी आपको लेना है ठीक है, इंची लेना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ माप सकते हैं इसके बारे में जो भी है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको काट वगैरह सकते हैं यहाँ से ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस वगैरह को हर एक चीज को बढ़ा सकते हैं देख सकते हैं ठीक है। तो ये किसके बारे में आपको पता चला, यहाँ पे क्लीन ऑल कर देंगे, ये आपको किसके बारे में पता चल गया, रूलर के बारे में चल गया ठीक है। अब जो भी रूलर लेना है इसके बारे में यहाँ पे अपना दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ठीक है, छोटा बड़ा सब कुछ यहाँ से अपना सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से अपना अरेंज कर सकते हैं आप लोग ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे रूलर के मतलब समझ गया, अब सेफ है मान के चलिए हमको, इसको डिलीट कैसे करें भैया, इस पर डिलीट कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा डिलीट हो जाएगा, इस पर कीजिएगा डिलीट हो जाएगा, समझाने के लिए वो था ठीक है। जैसे आप सेप पे क्लिक कीजिएगा, मान चलिए हमको क्या सर्कल बनाना है, तो हम लोग क्या बच्चा को बताएंगे यहाँ पे सर्कल आपका हो गया ठीक है। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे जो हम जो भी लिखेंगे क्या हो गया, उस सर्कल में अपने आप बदल जाएगा। हमको मान चलिए ट्रेंगल करना है, तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रेंगल में अपने आप तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो रहा है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं क्या हो रहा है, ट्रेंगल में बदल रहा है ठीक है। बोर्ड का कलर थोड़ा सा दूसरा हम लोग ले लेते हैं तो और अच्छा तरीका से आपको दिखेगा ठीक है। यदि हम लोग थीम को चेंज करके उजला कर देंगे तो और अच्छा आपको दिखेगा यहाँ पे ठीक है। मान के लिए अभी हम लोग को ट्रेंगल बनाना, क्या करेंगे यहाँ पे इस टाइप से कर देंगे, यहाँ ट्रेंगल बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्लीन आउट कर देते हैं। अब देखिए अब ट्रेंगल बनाना है ठीक है, तो एक बार क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा बैक करते हैं एक बार ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेंगल यदि मान के चलिए बनाना है, तो ट्रेंगल बनाने के लिए पहले शेप पे जाना है, शेप पे हम लोग चूज कर ले ट्रेंगल को ठीक है। अब जैसे जहाँ जहाँ भी लेके हमको जाना है वहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ट्रेंगल बन गया। इसी टाइप से यहाँ पे हम लोग को यदि मान के चलिए बनाना है क्या, स्क्वायर बनाना है, क्या कर देंगे स्क्वायर कहीं भी बना देंगे ठीक है। इस टाइप से अपना स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं, ये जो है आपका सब कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से आपके शेप के बारे में पता चल गया। अब हमको क्या करना है, तीन जगह पर आना है, मान के लिए एक इस टाइप से समझाना है, एक आधा इधर आधा इधर, मतलब तीन पार्ट में यदि बोर्ड को करना है बांटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लीन ऑल कर लेंगे, कुछ भी लिखते हैं पहले क्लीन ऑल कर लेना है, पार्टीशन करना है या पार्टीशन पर क्लिक करेंगे तो तीन भाग में देखिए बोर्ड मट गया ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, ये जो है भाग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक यदि रेड चलाएंगे तो यहाँ इधर नहीं चलेगा, यहीं तक चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक येलो ही चलेगा, देखिए इधर ही चलेगा, यहाँ वहाँ जा रहे हैं तब पर भी क्या हो रहा है, इधर ही चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए इधर से हम लोग को यदि ग्रीन कलर देते हैं तो इधर ही चलेगा। तो मतलब कुछ पार्ट इधर समझा दिए, कुछ पार्ट इधर समझा दिए, कुछ पार्ट इधर समझा दिए, आपको अलग अलग कलर में यदि करना हो तो कर सकते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये क्या है, बैक बटन का सिंबल है, इसको जैसे ही इसको क्लिक करेंगे देखिए अपने आप क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा ठीक है। तो बैक हो गया तो अब जो है ये कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, फिर क्या करेंगे क्लीन आउट करेंगे, पार्टीशन तक समझ गए। अब टेबल, यदि हमको टेबल बनाना है ठीक है, तो यहाँ पे टेबल पे इस पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल बन के तैयार हो जाएगा। अब जो भी इसमें लिखना है टेबल में अपना जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग टेबल वगैरह के बारे में भी समझा सकते हैं सब कुछ। अब इसको हमको बैक करना है, तो बैक करने के लिए क्या करना है, अंडो, जो भी लिखे हैं अभी छः लिखे हैं, छः को बैक करना, क्या करना है अंडो, और फिर उसी को लाना है तो रेड हो ठीक है। इसी समझ गए ना बात को, मान चलिए इस जो अभी ये पे लिखे हैं अभी जो जो काम किए उसको हटाना है, तो छः हट गया और फिर छः को लाना है तो फिर क्या करेंगे, रेड हो। तो इस टाइप के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है, क्लीन ऑल कर देंगे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब इसके बारे में समझ गए। अब देखिए माइंड मैप है, मान चलिए हमको कोई भी चीज़ बनाना है, समझाना है, एक कोई भी चीज़ है ठीक है जिसका नाम क्या है, ए है ठीक है, उसका पांच प्रकार है, एक क्या है बी है, सी है, आपका डी है, ई है, फाइव प्रकार है, लेकिन चार हम लोग लिखे यहाँ पे, चार टाइप्स लिखे। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ठीक है, अभी देखिए इस पर जो है एक और बढ़ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस, जो भी प्रकार है इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझा सकते हैं।
ये आपका क्या हो गया, माइंड मैप हो गया। अब स्टिकी नोट्स के बारे में फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल कर देंगे। स्टिकी नोट्स के बारे में जानते हैं, यदि कोई भी चीज़ हमको मेन बात रखना है ध्यान में, पता नहीं चलता है, क्लास खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है हमको ये भी पढ़ाना था, तो हम लोग लिख देंगे जो हमको जो है आज मान चलिए ABCD पढ़ाना है, ABCD पढ़ाना है, तो इसको ओके करके कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में हमको पता चल गया, यहाँ पे चले गया ऊपर में जो हमको ABCD पढ़ाना है। तो लोग क्लास खत्म कर देता है, पता ही नहीं चलता है हमको ये पढ़ाना है, इसको आप यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं जो हमको ये चीज़ पढ़ाना है, ये आपने आप आपको वहाँ पे चल जाएगा। समझ गया इसके बारे में भी, ओके किया तो ये भी चले गया। अब देखिए, अब मतलब है स्टिकी के बारे में समझ गया, स्टिकी नोट्स के बारे में। अब प्रीव्यू, प्रीव्यू कहने का मतलब है मान चलिए एक पेज आपका भर गया, एक पेज क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा रहे हैं जो भी है इस टाइप से सब कुछ पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपका ये पेज क्या हो गया, भर गया, अब आपको अगला वाला पेज पे लिखना है, तो आगे वाला कर देंगे, ठीक है। अब इसी पेज को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे और यहाँ पे क्या है लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे इस टाइप से वाइट है, इस टाइप से क्या हो गया आपका, इस टाइप से अब बढ़ाते चलेंगे, इसको क्या करेंगे लिखते चलेंगे, फिर बढ़ाना है तो फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फिर बढ़ाते। अब इसको देखिए सबको जो लिखे थे इसको छोटा कर देते हैं, पहला पेज छोटा पेज सब मिल गया, देखिए सब क्या हो गया, यहाँ पे जो नोट्स वगैरह बनाए थे वो भी यहाँ पे आ गया, ये छोटा हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या हो गया यहाँ पे प्रीव्यू। इंग्लिश पढ़ाना है तो आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं जो भी है, ठीक है, ABCD जो भी आपको लिखना है इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा लिखिएगा ये अपने आप बड़ा होते चलेगा, ये ग्रिड का कर सकते हैं। फिर अंडो रेडो के बारे में समझ ही गए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्लीन ऑल हम लोग कर लेते हैं। अब यदि कोई भी पेज को ऐड करना है, जैसे हमको पहला पेज ये हो गया, इस पे हम लोग क्या लिख दिए, इस पे इस टाइप से लिखते हैं ए लिख देते हैं, मान के ए लिख दिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पहला पेज हो गया। अब हमको और पेज ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिए, ये दूसरा पेज हो गया, इस पे हम लोग बी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पेज हम लोग को जाएंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। अब हमको फिर पहला पेज बच्चा को निकालना है, कैसे निकालेंगे, प्रीवियस पे करेंगे तो बी आ गया, फिर प्रीवियस पे करेंगे तो ए आ गया। तो इस टाइप से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमको नेक्स्ट करना है, ए तो है फिर बी पे ले जाना है, चलो भाई भाई बी पे, तुरंत बी पे आ गया। तो इस टाइप से अब थोड़ा आपका एक यूज हो गया, ये बेसिक था जो इतना आपको जानकारी जानना ही चाहिए। अब देखिए ये तो आपका हो गया इस टाइप से। अब आपको यदि क्रोम पे पढ़ाना है, ठीक है, तो क्रोम पे पढ़ाने के लिए क्या करना है, हम लोग जैसे क्रोम पे देखिए आ गए, ठीक है, क्रोम पे आ गए, क्रिएटर्स माइंड क्या है अपना जो वेबसाइट यहाँ पे खुल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ही लिखना है, तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको बताए थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कलम का निशान है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका कलम का, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नीचे कर देंगे, जैसे ही नीचे करेंगे अब लिखने वाला बन गया, जो भी हमको लोग को लिखना है कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जो भी कलर से लिखना है हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे आराम से उसको लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ को हम लोग को बताना है होम के बारे में, अबाउट सर्विस टीम क्लाइंट कॉन्टैक्ट, जो भी टीम जो भी चीज़ों के बारे में बताना है हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से देख के उसको हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट को मान के चलिए हम लोग कहाँ पे हैं, इस टाइप से PPT PDF डिजिटल बोर्ड कैमरा हम लोग ये सब चीज़ सेटअप करते हैं। अब हम थोड़ा सा सर्विस में हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग सर्विस क्या देते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, PDF PPT बनाते हैं, स्टूडियो सेटअप करते हैं। स्टूडियो में क्या क्या करते हैं, तो डिजिटल बोर्ड कैमरा ट्राइपॉड सेटअप जो भी चीज़ें होती है एजुकेटर के लिए वो सारा चीज़ करते हैं। तो इस टाइप से जो जानना है आपको यहाँ से ये चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको बढ़िया तरीका से बता सकते हैं। अब मान के चलिए हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है तो आप समझ ही गए, ये पेन पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नीचे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं। यदि मान के चलिए लिख लिए लेकिन हमको ऊपर करना है तो क्या करें, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट पेज क्लिक करेंगे, अब हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर लिखना है तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आ जाएगा लिखने वाला, यहाँ पे आप लिखने के लिए आ गया, आप लिख सकते हैं। अब हमको इसको क्लीन करना है तो क्लीन कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब मान चलिए हमको यही फोटो क्रोम पे कोई फोटो है, कोई भी चीज़ के बारे में, आप अर्थ के बारे में समझा रहे हैं या आप मून के बारे में समझा रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तो हमको ये फोटो है मान चलिए, ठीक है, क्रोम पे, इसको ले जाना है कहाँ पे, डिजिटल बोर्ड पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए आप लोग, इस पे क्लिक करना है 3 डॉट पे, जैसे क्लिक किया 3 डॉट पे तो क्रॉप पे क्लिक करना है, ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किए इसको जहां भी ले जाएंगे, मान के लिए इतना फोटो, इतना बड़ा फोटो हमको ले जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब फोटो यहाँ पे देखिए इंसर्ट बटन दिख रहा है आप लोग को, इंसर्ट बटन, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, ये डिजिटल बोर्ड पे चले जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमको जहाँ भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब इसके बारे में कुछ भी समझाना है तो क्या कर दिए, फोटो के बारे में समझा दिए, ये क्या है, गंधर्व वत्सीय, मोहनीश वत्सीय, प्रणव झा, ये क्या है, रजनीश वत्सीय, रणधीर सर, ठीक है, रोहित सर, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपने टीम के बारे में समझा सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर भी वगैरह जो चूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर से समझा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आप क्रोम पे कोई भी चीज़ है, फोटो है, उसको आप लोग डायरेक्ट लेके आ सकते हैं इस पे।
तो ये चीज हो गया डायरेक्ट आपका। अब देखिए आपका पीडीएफ पीपीटी है, पढ़ाना है आपको, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड में, तो यहाँ पे पिन है, एचडीएमआई केबल है, वहां से कर सकते हैं या कोई भी चीज से आप क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके इसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे ही दे दीजिएगा तो आपका काम आपका हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए मेनली क्या है सिस्टम यहाँ पे, देखिए ये तो आपका ये सिस्टम हो गया जो पीडीएफ वगैरह से कैसे क्या क्या करना है, कैसे क्रोम से फोटो लाना है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन समझ गए। अब यहाँ पे मेनली आता है चीजें, ठीक है, मान चलिए हमको एक तरफ क्रोम करना है, एक तरफ पढ़ाना है, तो वो भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा थ्री डॉट पे, एक पार्टीशन का देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ आप क्रोम खोल सकते हैं, एक तरफ देखिए एक तरफ क्रोम खुल गया, एक तरफ जो है यहाँ पे पढ़ाने वाला खुल गया, इस टाइप से इसको काट भी सकते हैं अपना, तो आपका स्प्लिट क्या हो गया, बदल भी गया। तो इस टाइप से हर एक फंक्शन कहाँ दिया गया है, थ्री डॉट पे देखिएगा, कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये बोर्ड का अपने आप हो गया, ले चले गया, आपका सिस्टम में सेव हो गया। अब आपको यदि पढ़ाना है पीडीएफ और पीपीटी वगैरह से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर, पहले तो आपको पीडीएफ पीपीटी बनाना पड़ेगा, आप लैपटॉप में बना सकते हैं या मोबाइल में है, तो डायरेक्ट सेंड कर देना है आपको व्हाट्सएप पे भी, इसमें व्हाट्सएप खोल के भी काम कर सकते हैं, या केबल लगा के, यहाँ पे देखिए केबल लगाने वाला है, पोर्ट है 3.0 वाला पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट से क्या कर सकते हैं, केबल लगा के आप जो है सारा काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरा फाइल मैनेजर में पहले से है, तो इस पर क्लिक करते हैं, फाइल मैनेजर पर जैसे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, फाइल जो है खुल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फाइल मैनेजर पर क्लिक कर रहे हैं, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा पहले से खोल दिए तो दूसरा चीज इसलिए नहीं खोल रहा था। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अब कोई भी चीज के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ यहाँ पे देखिए एक है मनीष सर, ठीक है, यहाँ पे तो वो जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, चेक करने के लिए तो किस टाइप से होता है डिजिटल बोर्ड चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग टीचर्स को हर एक सुविधा प्राप्त कर मतलब करवाते हैं, तो वो चेक करने के लिए तो पीपीटी एक बार दिए थे, तो इसका यदि हम लोग पीपीटी ओपन करते हैं तो देखिए ये एक बार आपका क्या हो गया, पीपीटी ओपन हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे फाइल मैनेजर में आपको पहले पीपीटी रखना पड़ेगा, यहाँ से आप पीपीटी से पढ़ा सकते हैं, देखिए ठीक है, ये जो है क्लास 12th का है 8.1 का, ठीक है, तो इस पीपीटी से आप पढ़ा सकते हैं। जो भी लिखना है तो कैसे लिखना है सर, तो यहाँ पे हम लोग कलम पे क्लिक कर लेंगे, कलम वाला आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लिए उजला कलर, अब जो भी समझाना है इसके बारे में क्या समझा रहे हैं जो भी है, ठीक है, साइन 2x जो भी चीज़ हमको समझाना है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x, ठीक है, प्लस कॉस्ट एक्स बराबर जीरो, तो हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमको इसको ऊपर करना है, पहले क्लीन करेंगे फिर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब हम लोग ऊपर वगैरह भी इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर क्या आ गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप से आप लोग पीपीटी पीडीएफ वगैरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा एप्स रहता है जो कि सबसे शुरू में ही आपको बताया था, यहाँ पे सारा एप्स रहता है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है, देखिए खुल गया, जो भी ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा खुल जाएगा सब ऐप, यहाँ पे आप क्रोम खोलिएगा, ठीक है, क्रोम से जैसे ही आपका है क्रिएटर्स माइंड, आप कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलना चाहते हैं तो वो चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं। देखिए जैसे हमको क्रिएटर्स माइंड खोलना है तो यहाँ से जैसे क्रिएटर्स माइंड क्लिक किए, ठीक है, खुल गया, अब इस पर क्लिक किए तो ये जो है ओपन हो रहा है, तो यहाँ से वेबसाइट वगैरह क्रोम वगैरह का हर एक चीज़ यूज कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब यहाँ पे हमको समझाना है तो क्या करेंगे, पेन का बटन है यहाँ पे, देखिए पेन का है, पेन का ले लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लिख के अच्छे तरीके से समझा सकते हैं जो भी चीज़ समझाना है। जैसे यहाँ पे पेन को हम लोग चूज करके ब्लैक कर लेते हैं, व्हाइट था पहले अब ब्लैक कर लें, अब जो भी समझाना है क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यही एक ओवरव्यू था, यही एक डिटेल्स था, बेसिक चीज़, इतना कम से कम आपको जानकारी रहना चाहिए डिजिटल बोर्ड के बारे में, तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।